हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। बात करेंगे इस मैच में लाइका कोवई किंग्स वर्सेस नेल्लई रॉयल किंग्स के बारे में, जो कि है TNPL सीरीज का मैच नंबर 6। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों दोनों ही टीम के प्लेयर रिकॉर्ड्स और क्या रहेगी फैंटेसी टीम में आपके टॉप पिक्स और सेफ कैप्टेंसी चॉइसेस। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। दोनों ही टीम्स की बात करें तो अपना फर्स्ट मैच दोनों ही टीम जीत के आ रही है। LK के 70 रन से जीत के आ रही है लास्ट मैच, और NR के 6 विकेट से जीत के आ रही है। और एक बार फिर से सेम ग्राउंड पे मैच ये होने वाला है, जिसका नाम है SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड। और यहाँ पे अगर लास्ट 10 मैचेस की हम बात करें दोस्तों, चेज करना और डिफेंड करना दोनों लगभग बराबर ही रिकॉर्ड रहा है। मतलब बैट फर्स्ट और बैट सेकंड करने वाली टीम 5-5 बार जीती है। तो एज सच यहाँ पे चेज या डिफेंड का कुछ स्पेसिफिक फायदा नहीं मिलता है टीम को। और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की हम बात करें तो 170 का रहा है, जो कि बहुत अच्छा खासा है। मतलब यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच इजिली जा सकता है दोस्तों, तो टीम हमें उसी हिसाब से बनानी है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे इस ग्राउंड पे पेस वर्सेस स्पिन के स्टैट्स की, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे न्यूट्रल रहा है। अगर लास्ट 10 मैचेस की हम बात करें तो पेसर्स और स्पिनर्स को लगभग बराबर ही मदद मिली है। स्पेसिफिक फायदा किसी एक टाइप ऑफ बॉलिंग को नहीं मिला है, लगभग बराबर विकेट्स निकाले हैं दोनों ने ही। फिर बात कर ले दोस्तों प्लेइंग 11 क्या रहेगी, तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 लाइका कोवई किंग्स की कुछ ये रह सकती है दोस्तों, जो कि लास्ट मैच में यही थी। अब टीम जीत के आ रही है तो अपने प्लेइंग 11 में कोई चेंज तो करेगी नहीं। ऑल दो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का यूज लिया गया था लास्ट मैच में भी, तो देखना खास होगा कि इस मैच में किसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो प्लेइंग 11 के सारे अपडेट्स आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पे मिल जाएंगे दोस्तों, तो व्यू स्पोर्ट ऐप जरूर चेक कर लेना लाइनअप्स आने के बाद। फिर बात करें दोस्तों नेल्लई रॉयल किंग्स की प्लेइंग 11 कुछ ये रह सकती है, और इन्होंने भी सब्स्टिट्यूट का यूज किया था और ये भी जीत के आ रहे हैं। तो अपने प्लेइंग 11 में और बैटिंग ऑर्डर में कुछ ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है इनके पास भी। तो अपडेट्स तो आपको प्लेइंग 11 के सारे व्यू स्पोर्ट ऐप पे मिल ही जाएंगे दोस्तों। बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के प्लेयर रिकॉर्ड्स की। तो सबसे पहले बात करें लाइका कोवई किंग्स के बैट्समैन के रिकॉर्ड की दोस्तों, तो लास्ट सीजन में कुछ ऐसा परफॉर्मेंस रहा था इनके बैट्समैन का जिसमें सबसे ज्यादा रन बनाए थे। लास्ट सीजन में जे सुरेश कुमार ने 398 रन बनाए थे 49 के शानदार एवरेज के साथ, तो टीम का टॉप बैट्समैन हो जाता है ये। फिर BSI सुदर्शन का नाम आता है, और इनको आप सभी जानते हैं दोस्तों, अच्छा खासा करियर रहा है इनका IPL में, आप सब लोगों ने देखा है, तो इनके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर शाहरुख खान का नाम आ जाता है, और इनका भी शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा है टीम के लिए। फिर दोस्तों इनके बॉलिंग रिकॉर्ड की बात कर ले टीम की तरफ से, तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे लास्ट सीजन किरण आकाश ने, 7 इनिंग में 12 विकेट चटकाए थे। और फिर शाहरुख खान का नाम आ जाता है, 11 विकेट चटकाए थे 9 इनिंग में। बाकी प्लेयर्स का आप रिकॉर्ड स्क्रीन पर देख सकते हो, बाकी डिटेल में मैं टॉप पिक्स में अभी अब बात कर लेंगे हर प्लेयर की। फिर बात करें दोस्तों नेल्लई रॉयल किंग्स की बैट्समैन के रिकॉर्ड की, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा रन लास्ट सीजन में बनाए थे अरुण कार्तिक ने, 41.86 के एवरेज के साथ 293 रन बनाए थे। तो शानदार परफॉर्मेंस रहा था लास्ट सीजन इनका, 50 हालांकि एक भी नहीं लगाई थी इन्होंने एक भी इनिंग में। फिर दोस्तों एल सूर्य प्रकाश का नाम आ जाता है, 29 का एवरेज रहा, 232 रन बनाए। फिर अजितेश जी का नाम आ जाता है, 43 के एवरेज के साथ 129 रन इन्होंने बनाए थे। फिर सोनू यादव भी नाम आ जाता है, जो कि ऑलराउंडर है टीम के, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक रहेगा आपकी टीम में। फिर इनके बॉलर्स के रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो सबसे ऊपर नाम आ जाता है अश्विन क्रेस्ट का, लास्ट सीजन में 11 विकेट चटकाए थे 7 इनिंग में, बट लास्ट मैच में प्लेइंग 11 में ये शामिल नहीं थे। फिर संदीप वॉरियर, अच्छा खासा इनका रिकॉर्ड रहा है दोस्तों, सालों से खेल रहे हैं, तो इनके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 9 इनिंग में 11 विकेट चटकाए थे, एक अच्छा इंपॉर्टेंट पिक हो जाता है। हालांकि लास्ट मैच में फेल रहा, बट फिर भी हम इस प्लेयर को बैक करेंगे, पोटेंशियल बहुत है। और एक बार फिर से ऑलराउंडर सोनू यादव का नाम आ जाता है, 10 विकेट इन्होंने लास्ट सीजन में चटकाए थे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर मैचअप्स की, बैट्समैन वर्सेस बॉलर क्या रिकॉर्ड रहा है दोनों ही टीम की तरफ से। तो कुछ 3 स्टैट्स निकल के आते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल स्टैट्स नहीं थे क्योंकि ज़्यादा मैचेस एक दूसरे के खिलाफ खेले नहीं है प्लेयर्स ने। तो 3 रिकॉर्ड निकल के आते हैं दोस्तों, जहाँ पे इन 3 बैट्समैन ने डोमिनेट किया है कुछ बॉलर्स के ऊपर, तो वो आपको मैचअप बहुत काम आएगा आपकी टीम बनाते वक्त, स्पेसिफिकली ग्रैंड लीग में तो बहुत मदद करेगा CVC बनाते वक्त, तो इन स्टैट्स को मिस मत करना। सबसे पहला स्टैट देख ले दोस्तों, अरुण कार्तिक ने M मोहम्मद के ऊपर डोमिनेट किया है थोड़ा ज़्यादा, 8 इनिंग में आमने सामने रहे हैं ये, जिसमें 36 बॉल पर 57 रन अरुण कार्तिक ने बनाए हैं और सिर्फ 2 बार आउट हुए हैं। वहीं निधीश राजागोपाल का रिकॉर्ड भी M सिद्धार्थ के खिलाफ अच्छा है, 4 इनिंग में दोस्तों 1 बार आउट हुए हैं बस, 20 बॉल में 22 रन बनाए हैं। और फिर शाहरुख खान का नाम आ जाता है दोस्तों, टीम के ऑलराउंडर सोनू यादव ऑलराउंडर बॉलर के खिलाफ दोस्तों 1 बार भी आउट नहीं हुए हैं, 4 इनिंग में 10 बॉल में 15 रन इन्होंने बनाए हैं। तो हाँ, बहुत ज़्यादा स्टैट्स नहीं है क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, बट ये 3 ही इंपॉर्टेंट मैचअप्स निकल के आते हैं इस मैच में दोस्तों। अब बात कर लेते हैं
टॉप पिक्स क्या रहेगी आपकी फैंटेसी टीम में। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों लाइका कोवे किंग्स की टॉप पिक्स की, तो ये चार नाम निकल के आते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम निकल के आता है दोस्तों टीम के कैप्टन शाहरुख खान का, जो कि टीम के रिलायबल ऑलराउंडर भी है दोस्तों। लास्ट मैच में शानदार परफॉर्मेंस रहा, 25 रन भी बनाए और 3 विकेट भी निकाले। लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और पूरे 4 ओवर डालते हैं, तो शानदार ये आपकी टीम में टॉप पिक बन के आ जाता है दोस्तों। परफॉर्मेंस भी शानदार लास्ट मैच में इन्होंने दिखा दिया। वहीं लास्ट सीजन का भी बात करें तो 187 रन और 11 विकेट लास्ट सीजन में निकाले थे, और आईपीएल में भी आपने खेलते हुए देखा था इनको, पंजाब के लिए ये खेलते हैं दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट टॉप पिक है। फिर दोस्तों साई सुदर्शन का नाम आ जाता है, इनका परफॉर्मेंस और भी शानदार था। लास्ट सीजन में 86 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, बट ये रन आउट हो गए थे, वरना क्या पता सेंचुरी भी पूरी कर लेते। तो साई सुदर्शन ने भी अपना फॉर्म दर्शा दिया दोस्तों, तो ये अनदर टॉप पिक बन जाता है लाइका कोवे किंग्स की तरफ से, और टीम यही फेवरेट है जीतने के लिए, तो हमें उसी हिसाब से अपना फाइनल फैंटेसी 11 बनाना होगा। फिर थर्ड टॉपिक की बात करें दोस्तों तो मोहम्मद एम का नाम आ जाता है, जो कि टीम के बॉलिंग ऑलराउंडर है और टीम को ये बैटिंग में डेप्थ भी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। लास्ट मैच में तो बैटिंग में कुछ खास रहा नहीं इनका, बट 2 विकेट निकाले थे लास्ट गेम में। वहीं लास्ट सीजन की बात करें तो सिर्फ 7 मैच खेले थे इन्होंने, उसमें 88 रन भी बनाए थे और 8 विकेट भी चटकाए थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑलराउंडर है टीम का, एक टॉपिक मस्ट हैव बन जाता है आपकी टीम में। फिर चौथी और लास्ट टॉपिक दोस्तों लाइका की तरफ से आती है जय सुरेश कुमार की, और जिनका बारे में मैं बताऊं तो ओपनर विकेट कीपर बैट्समैन है दोस्तों। लास्ट मैच में फेल रहे थे, सिर्फ 11 रन ही बनाए थे, बट पिछला सीजन का शानदार रहा था टीम के लिए, सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ही बनाए थे, 49.75 के एवरेज के साथ ये टॉप स्कोरर रहे थे टीम के, 398 रन बनाए थे लास्ट सीजन में, तो इनको हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे सिर्फ एक गेम के परफॉर्मेंस के बेस पे। अब देख लेते हैं दोस्तों हम क्या रहेगी टॉप पिक्स नेल्ले रॉयल किंग्स की तरफ से। तो यहाँ पे इनकी टीम से 3 टॉप पिक निकल के आ जाती है। पहला नाम आता है अरुण कार्तिक का, जो कि टीम के कैप्टन हैं और ओपनर बैट्समैन हैं। लास्ट मैच में डिसेंट 32 रन की पारी खेली थी दोस्तों, और लास्ट सीजन ये टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे थे, 293 रन बनाए थे लास्ट सीजन में 41.86 के एवरेज के साथ, तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। लास्ट गेम में भी इन्होंने डिसेंट पारी खेली थी 32 रन की, तो ये टॉप पिक पहला बन जाता है। फिर बात करें दोस्तों सेकंड टॉप पिक आता है इनका बॉलर संदीप वॉरियर, टीम के मेन बॉलर है दोस्तों, हालांकि लास्ट गेम में विकेटलेस रहे थे, बट फिर भी हम इनको बैक करेंगे। प्लेयर में पोटेंशियल बहुत है, सालों से आईपीएल भी खेल रहा है दोस्तों, तो बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलने का एक्सपीरियंस भी है इनको, और लास्ट सीजन बहुत बढ़िया रहा था, 11 विकेट निकाले थे, तो ये सेकंड टॉप पिक हमारी टीम में बनेगा आज के मैच में। फिर दोस्तों थर्ड टॉप पिक आ जाता है सोनू यादव, जो कि टीम का मोस्ट रिलायबल ऑलराउंडर है। लास्ट मैच में भी शानदार परफॉर्मेंस रहा, 2 विकेट भी लिए और 13 रन बनाए थे। लास्ट सीजन में इनका शानदार रहा था, 107 रन और 10 विकेट चटकाए थे दोस्तों, तो सोनू यादव मस्ट हैव टॉप पिक हो जाता है नेल्ले रॉयल किंग्स की तरफ से। तो ये तो हो गई टॉप पिक्स की बात, अब बात कर लेते हैं डिफरेंशियल पिक्स की। तो सबसे पहला डिफरेंशियल पिक आ जाता है दोस्तों एनआरके की तरफ से, श्री निरंजन आर, जो कि टीम का ऑलराउंडर है दोस्तों। लास्ट मैच में रनआउट हो गया था और बॉलिंग भी नहीं कराई थी, तो रनआउट होना तो देखो ये स्टैट्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, मतलब सिर्फ रनआउट हुआ तो मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेयर में पोटेंशियल नहीं है। लास्ट सीजन का शानदार रहा था, 105 रन बनाए थे और 6 विकेट भी चटकाए थे, बट लास्ट मैच के खराब परफॉर्मेंस की वजह से इनका इस मैच में फैंटेसी परसेंट सिलेक्शन कम हो गया है, इस वजह से बहुत अच्छी डिफरेंशियल पिक ये बन के आता है, क्योंकि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ये देख के बढ़िया फैंटेसी पॉइंट देके जा सकता है आपको। फिर बात करें दोस्तों सेकंड डिफरेंशियल पिक ऑप्शन आता है एलके की तरफ से एम सिद्धार्थ, जो दोस्तों लास्ट गेम में विकेटलेस रहा था, बट लास्ट सीजन में इसका परफॉर्मेंस अच्छा था। मेन बॉलर है टीम का, 8 विकेट लिए थे लास्ट सीजन में, और दोस्तों इस प्लेयर का फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है, तो ये सेकंड डिफरेंशियल पिक हमारा बन जाता है आज के गेम में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक्स क्या रहेगी आपकी आज के मैच में। तो 3 नो ब्रेनर सेफ कैप्टनसी पिक निकल के आती है, शाहरुख खान शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से, साई सुदर्शन शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से और फॉर्म भी इन्होंने दर्शा दिया लास्ट मैच में, और सोनू यादव शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से, 3 सेफ कैप्टनसी पिक रहेगी, और तीनों क्यों है अच्छे पिक वो मैंने टॉपिक्स में आपको बता ही दिया दोस्तों। वहीं डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक में एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन निकल के आता है, उसका नाम है जे सुरेश कुमार, दोस्तों ओपनर विकेट कीपर बैट्समैन है, लास्ट मैच में फेल हुआ, इस वजह से ये इस गेम में ज़्यादा लोगों का कैप्टन नहीं रहने वाला है, इसलिए हमारा डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक निकल के आता है, क्योंकि प्लेयर में पोटेंशियल बहुत है दोस्तों। लास्ट सीजन में 49.75 का एवरेज रहा था और टीम के लिए टॉप रन स्कोरर रहा था, ये 398 रन बनाए थे, तो इस गेम में ये डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक बहुत अच्छा बन के आ जाता है। तो दोस्तों अब बात कर ले अपने फैंटेसी 11 की, तो दोस्तों इस मैच की फैंटेसी 11 आपको मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट ऐप पे लाइनअप्स आउट होने के बाद। तो अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्यू स्पोर्ट ऐप का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, हर मैच की फैंटेसी टीम आपको वहां मिल जाती है विद डिटेल्ड एनालिसिस, तो व्यू स्पोर्ट ऐप जरूर चेक करना।
तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलूंगा मैं आपसे किसी और मैच के प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।